झूठ तो इनके परिवार ने बोला कि शाहरुख को जानती नहीं थी, 3-4 साल से अफेयर था शाहरुख का, गाड़ियों से घुमाता था। 10-15 CCTV तो हमारे पास मिल चुके हैं अभी, पेट्रोल बिक रहा है बोतलों में। जिस आदमी को अगर अंकिता को मारना होता तो CCTV में आके अपना चेहरा दिखाएगा? वो तो किसी भी किराना दुकान से जहाँ पे CCTV नहीं हो बोतल खरीद के 10-10 लीटर 5-5 लीटर की बोतलें बिक रही हैं दुमका में। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं शाहरुख की बेगुनाही की तरफ दिखाती है। असली कातिल आज भी घर में बैठा हुआ है सर, यही तो खोज रहे हैं हम लोग। हत्या किसने किया? आपने तो ठप्पा लगा दिया मीडिया वालों ने सबने मिलकर, वहाँ के लोकल मीडिया नेशनल मीडिया के, शाहरुख ने मारा। जज बन गए हो, जस्टिस चंद्रा जी बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं जब तुम ही लोग डिसाइड करें तो हमारा क्या काम है। नीतू जाओ, प्रिया सिंह से पूछिए जाके, संजीव कुमार से पूछिए कि विनय दुबे पे 15 दिन पहले जो मानहानी केस किया था वो कहाँ है। मैं दुमका में बैठा हूँ, पुलिस आज मैं कोर्ट पूरा दिन गुजरा, आज कोर्ट में रहा हूँ यहाँ पे, उस कोर्ट के अंदर एक भी जगह विनय दुबे का नाम नहीं है। हमरा किया है उन्होंने, इतना बड़ा आपने भौकाल बना दिया कि विनय दुबे आपको हम जेल करवाएंगे, यहाँ के लोग खुश हो गए जेल होने के नाते जो बीजेपी वाले हैं। दूसरी चीज़, ये एक स्क्रिप्टेड चीज़ थी। इसमें आप बताइए कि इनका भाई जो सगा भाई है जयराम झा, वो ये कह रहा है पुलिस के सामने, जिसमें कि पुलिस स्टेशन में बैठ के, कि पहले मेरी पत्नी ने नीतू सिंह नीतू झा से बात किया, उसके बाद उसी मोबाइल नंबर से इनको कुछ मैसेज भेजे गए, फिर मैंने इनको धमकी दी महाराष्ट्र पुलिस को बन के। मतलब नीतू झा इतनी नादान नेता है, महिलाओं को मुंबई में एक लड़का परेशान कर रहा है, देखो झारखंड की औरतों जागो, मुंबई का लड़का एक आके विनय दुबे को रोकने का ये सब तरीका है सर। उनको पता है कि मैं असली कातिल तक बहुत नज़दीक हूँ। आप लोगों ने जो शुरुआत में देखा ये सिर्फ छोटा छोटा क्लिक काट कर आप लोगों को दिखाया गया था, आगे फुल वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह से विनय दुबे भाई ने एक एक का पोल खोल कर रख दिया है और बहुत ही बड़ा खुलासा किया है विनय दुबे भाई ने, जो कि दुमका में बैठकर इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के दौरान इस तरह से उन्होंने पोल खोलने की कोशिश किया है और शाहरुख बेगुनेगार की तरफ आगे बढ़ रहा है, शाहरुख गुनेगार नहीं है इस तरह का मतलब कि आशंका बताया जा रहा है। लेकिन अगर शाहरुख अंकिता हत्या का गुनेगार नहीं है, अंकिता हत्या का कातिल शाहरुख नहीं है, तो फिर अंकिता हत्या का कातिल कौन है? विनय दुबे भाई आगे आप लोगों को जवाब देगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और शाहरुख के केस में क्या नई अपडेट जो है वो निकल करके आ रहा है? हालांकि सोशल मीडिया के जरिए, अपने अकाउंट के जरिए, अपने अकाउंट के जरिए ये जानकारी देते रहते हैं क्या नया अपडेट्स आ रहा है, लेकिन हम और जानना चाहेंगे कि अभी और आगे क्या नया अपडेट्स आया है। नया अपडेट फिलहाल यही है कि 3 नवंबर को अगली सुनवाई है अंकिता शाहरुख केस में, और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो पिताजी ने जो बाल विवाह करवाया है 3 नवंबर से पहले पहले इनको ससुराल भेज दिया जाए। ससुराल से क्या मतलब है? जेल, इनके पिताजी, उसके बाद में प्रिया सिंह, उसके बाद में नीतू झा, ये मुख्य आरोपी हैं यहाँ की। मैं दुमका इसीलिए बैठा हूँ कि एक FIR दर्ज हो रही है दुमका के अंदर, कानूनी प्रक्रिया में मामला है, उसके दस्तावेज, क्योंकि उसमें फरियादी मैं खुद हूँ, तो मेरी तरफ से वो FIR दर्ज कराई जा रही है, मैं दुमका में बैठ के उसे दर्ज करा रहा हूँ। ऐसा क्या अपराध कर दिया इन लोगों ने कि आप इनके ऊपर अब FIR दर्ज करने के कराने के लिए आप दुमका आ गए? देखिए, 2 अलग अलग FIR हैं। पहली FIR होगी इनके पिताजी के ऊपर, संजीव कुमार के ऊपर, क्योंकि पिछले साल एक कोर्ट मामले में, पॉस्को मामले में, इन्होंने अपनी बेटी के संबंधी जो दस्तावेज रखे थे, बड़ी बेटी के संबंधित, उसके हिसाब से वो बेटी आज 17 साल 5 महीने की है, और अंकिता केस में वही बेटी साक्षी के तौर पर है, मतलब एक विटनेस है, जिसमें उस लड़की ने अपनी उम्र 25 साल दिखाई है। तो हमने माननीय अदालत में जो केस चल रहा है उसमें एक अप्लीकेशन आज लगाई है गुरुवार के दिन, कि लड़की का जो एज है वो उसको लेके थोड़ी सी संभ्रत है, मतलब थोड़े कन्फ्यूज़न है। अगर हम पिछले उसको आदेश को मानते हैं उस हिसाब से जो कोर्ट ऑर्डर माननीय जस्टिस लक्ष्मण प्रसाद जी ने दिया था, वो आदेश इसी साल फरवरी 2022 का आदेश है, उसमें लड़की के एज जो है वो 2005 के साल की पैदाइश है, उसके हिसाब से इसकी बच्ची की शादी, क्योंकि इसने अपने स्टेटमेंट में जगह जगह लिखा है कि पति विक्की सहनी, विक्की केवट, और बाप का भी, अगर इनके पिताजी का भी आप वीडियो देखेंगे तो बहुत जगह इन्होंने कहा है कि मैं, मेरा दामाद और मेरी बेटी, हम तीनों ने मिल के अंकिता को हॉस्पिटल पहुंचाया था। बहुत इनके लिखित स्टेटमेंट में भी, केस डायरी में भी, मैं आज निकाला हूँ, बहुत जगह उन्होंने दामाद शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये दिखाता है कि 17 साल 5 महीने की लड़की का विवाह करा दिया गया है। एक लड़की जो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर नहीं तैयार होती है विवाह के लिए, उसको भी इन्होंने सामूहिक तौर पर समाज में एक दूसरे से मंजूरी करके विवाह करा दिया। तो एक बाल विवाह का, चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट होता है 2006 का, उसके अंतर्गत मैंने FIR के लिए आज माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दिया है, और मेरा ये कोशिश है कि ये जो 17 साल 5 महीने की बिटिया है इसके साथ न्याय किया जाए, और इसकी शादी कराने में जो भी लोग हैं, चाहे संजीव कुमार हो, उसको मैंने उनमें आरोपी किया है, उनका नाम दिया है, इनके साथ इनके परिवार के और 4 लोगों का नाम दिया है, ससुराल पक्ष में 3 से 4 लोगों का नाम गया है, तो इन सभी को गिरफ्तारी के लिए मैंने निवेदन किया है न्यायालय से कि इसकी जाँच की जाए और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दूसरा मामला है जब कपिल मिश्रा जी और बाकी ये लोग
दुमका आए थे इसके परिवार को मिलने के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आके उन्होंने मदद किया। मैं धन्यवाद करता हूँ कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे जी का कि उन्होंने एक मानवता दिखाते हुए एक मरी हुई बच्ची के परिवार को आर्थिक मदद किया, सहयोग दिया। लेकिन ठीक जब वो मुलाकात कर रहे थे उसके ठीक पीछे बाहर साइड में देश के गद्दारों को गोली मारने वाली जो नारे लग रहे थे, जो प्रमुख तौर पर नीतू, वो बात तो देश के गद्दारों के लिए कही गई है ना। हाँ, तो गोली मारने का अधिकार आपके पास नहीं है, आपको आंदोलन करने का अधिकार है। आप कहीं पे भी अगर ये गलत नहीं है तो फिर मैं भी कल से नारा लगाना चाहता हूँ देश के गद्दारों को, क्या करिएगा आप। देखिए क्या होता है ना, कुछ चीज़ें संविधान के दायरे के अंदर होनी चाहिए। आंदोलन सबका अधिकार है, आंदोलन करना सबका मकसद होता है, करिए। लेकिन एक उसकी एक भाषा, एक मर्यादा होती है। मेरा वही काम है कि अगर समझिए कल को इस नारों की वजह से जो वहाँ पे माहौल तैयार हुआ, हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा वहाँ पे तैयार हो रहा था दुमका में, उसका कहीं ना कहीं जो निर्माण करने वाले थे ये दो चार लोग थे। जबकि किसी एक वीडियो आज हमको एक भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता ला के दिया है, बोला भैया ये ना बहुत गलत कर रही हैं आज दुमका के अंदर। एक हमारे जो साथ में रहने वाले मुस्लिम भाई हैं वो अब हमको उस नज़र से देखते हैं कि जैसे हम दुश्मन हैं उनके, और हमारे अंदर ये नफरत ये बोने का काम ये महिलाओं ने किया है, तो आप इस पर कार्रवाई करिए। उनकी एक वीडियो, एक कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने ला के दी है मुझ पर, जिसमें इन्होंने आदेशित किया है कि नहीं नहीं ये मुल्लों को छोड़ना नहीं है दुमका में, अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये सब शब्द हैं उसके अंदर, ये शब्द है उस ऑडियो में, ऑडियो के अंदर शब्द है। खुलासा कब करिएगा? देखिए ये खुलासा करने लायक चीज़ नहीं है, इससे समाज में नफरत बढ़ती है, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं खुद उसके खिलाफ हूँ, तो मैं ये ऑडियो वायरल करके क्या करना चाहता हूँ? मैं ये दिखाना चाहता हूँ कोर्ट के मामले सामने ये रखा जाएगा कि इस तरह के कंटेंट, इस तरह के नारे यहाँ पे लगाए गए, इसका पूरा मकसद जो था वो क्लियर हो रहा है ऑडियो के अंदर कि ये क्या चाहती थी करवा के, इसके पीछे क्या मकसद था, और इसके आधार पर इनके ऊपर FIR दर्ज करा के दुमका के अंदर, दुमका के लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर मैं दर्ज कराने के लिए बैठा हूँ। लेकिन अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो कि दुमका पुलिस ने ही जारी करवाया था, जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं नीतू झा जी, उनके भाई ने उनको ही धमकी दे दिया। ये घटना जब आपने सुना तो आपको कैसा लगा, मतलब क्या लगा? नहीं देखिए ये स्क्रिप्टेड था पूरा, जहां तक मुझे लगा। ये एक ना नॉर्मल आदमी दुमका का युवा खुश हो सकता है इस चीज़ को, ये एक थोड़ा सा उनके लिए पारिवारिक तौर पर भाई बहन का मजाक हो सकता है, लेकिन संविधान तौर पर इन्होंने एक और अपने ऊपर गला फांस लिया है। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जिस दिन शाम को ये वीडियो मेरे पास आई थी किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैंने तुरंत उसकी जानकारी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को दी कि आपकी पुलिस का नाम लेकर एक इंसान झारखंड के अंदर इस तरह से लोगों को खुलेआम धमकी दे रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार आपके महाराष्ट्र में है उसकी जिला अध्यक्ष को ये धमकी दे रहा है इंसान, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज 4 बजे मुझे मुंबई पुलिस की तरफ से मेल आया है कि आपके मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। 4 बड़े सीनियर ऑफिसर्स जो हैं इस मामले में देख रहे हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर ATS एंटी टेरर स्क्वाड है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, बहुत सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, और बहुत जल्द इस पर FIR दर्ज करके ये दोनों भाई बहनों को इस मामले में कि पुलिस का नाम लेकर आपने जिस तरह से मजाक किया आपके हिसाब से, उस पर अब संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होगी। और दूसरी चीज़, ये एक स्क्रिप्टेड चीज़ थी, इसमें आप बताइए कि इनका भाई जो सगा भाई है जयराम झा, वो ये कह रहा है पुलिस के सामने, जिसमें कि पुलिस स्टेशन में बैठ के, कि पहले मेरी पत्नी ने नीतू झा से बात किया, उसके बाद उसी मोबाइल नंबर से इनको कुछ मैसेज भेजे गए, फिर मैंने इनको धमकी दी महाराष्ट्र पुलिस को बन के। मतलब नीतू झा इतनी नादान नेता है, उसको ये नहीं समझ में आया कि उसी नंबर से अभी वो अपने भाई की पत्नी से बात की, और उसके बाद ये सुबह पहुंच जाती है SP ऑफिस में कि मुझे इस नंबर से धमकी दी गई है। मतलब रात में आप पारिवारिक बात करो, कॉल का डिटेल उस पर दिखेगी, कॉल का टाइम दिखेगा, आप उसी को उठा के लेके जाके SP को लगा दोगे, इसमें क्या दुमका पुलिस का समय बर्बाद नहीं हुआ? वो यहाँ से गोड्डा कॉल की होगी, वहाँ की पुलिस से उठाई होगी, पेट्रोल खर्चा हुआ होगा, यहाँ लाई होगी, पूछताछ की होगी, 2 ऑफिसर इसके पीछे लगे होंगे, पूरा प्रशासनिक तंत्र को इन्होंने मजाक बना के रखा था। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मजाक नहीं था, पूरा स्क्रिप्ट, पूरा स्क्रिप्टेड था इसके भाई के लिए, या फिर जो देखिए इंटरेस्ट ले रहे हैं फंसाने के लिए देखिए स्क्रिप्ट लिखा गया था। इन्होंने पहले दिन से फंसाया है दुमका की जनता को, दुमका के लोगों को। अंकिता सिंह मर गई, उनको ये लगा कि अब हम इसकी चिता जल रही है, इसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटी सेक के अपना वार्ड, अपना विधानसभा तैयार कर लेंगे। आप एक बात बताइएगा ना, जरा आप पूछिएगा ना, जितने भी लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, नीतू झा और प्रिया सिंह से पूछिए जाके, संजीव कुमार से पूछिए कि विनय दुबे पे 15 दिन पहले जो मानहानि केस किया था वो कहाँ है? मैं दुमका में बैठा हूँ, पुलिस आज, मैं कोर्ट पूरा दिन गुजरा, आज कोर्ट में रहा हूँ यहाँ पे, उस कोर्ट के अंदर एक भी जगह विनय दुबे का नाम नहीं है। हालांकि उसका खुलासा तो उन लोगों ने किया है, नहीं देखिए गुमराह किया है उन्होंने, इतना बड़ा आपने भौकाल बना दिया कि विनय दुबे आपको हम जेल करवाएंगे, यहाँ के लोग खुश हो गए जेल होने के नाते, जो BJP वाले हैं कि विनय दुबे तो अब जेल जाएगा, जेल चढ़ा जाएगा, कहाँ है मानहानि का? केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया इन्होंने, सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने आप को चर्चित करके कि भाई हम नाम ऊपर होगा तो ऑब्वियसली हमको कल को इलेक्शन लड़ना है। अगर वो कहा जाए कि अगर वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी तो राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं आने आए हैं? एकदम फायदा आएंगे। दर्शक को पहले आप क्लियर करिए कि आप जो है भविष्य में चुनाव तो नहीं लड़ने वाले दुमका से? काहे नहीं लड़ेंगे, हम पूरे देश से चुनाव लड़ेंगे, मेरी मर्जी है, ये रोकेंगी मुझे? तो हो सकता है आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं भैया, तो कौन, क्यों सभी कर रहे हैं राजनीति, तो हम काहे नहीं करेंगे? BJP ना राजनीति कर सकती है, विनय दुबे राजनीति नहीं कर सकता है,
हम तो खुलेआम बोल रहे हैं ऑन कैमरा की राजनीति कर रहे हैं, आप रोक लो मुझे राजनीति करने से। यानी कि जो आप इंसाफ दिलाने आए हैं वो इंसाफ ना होकर अब राजनीति हो गया। इंसाफ तो दिला ही रहे हैं सर, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट को थोड़ी डिस्टर्ब करेंगे, जो हम तो अपने ट्रैक पे हैं। अच्छा अच्छा ये बताइए आप कि जो झूठ तो इनके परिवार ने बोला कि शाहरुख को जानती नहीं थी, 3-4 साल से अफेयर था शाहरुख का, गाड़ियों से घुमाता था, 10-15 सीसीटीवी तो हमारे पास मिल चुके हैं अभी तक। अच्छा एक बात बताइए दुमका में आप बगल में हम किसने हत्या किया, यही तो खोज रहे हैं हम लोग, हत्या किसने किया? आपने तो ठप्पा लगा दिया मीडिया वालों ने सबने मिलके, वहाँ के लोकल मीडिया नेशनल मीडिया के, शाहरुख ने मारा, जज बन गए हो, जस्टिस चंद्रा जी बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं जब तुम ही लोग डिसाइड कर ले तो हमारा क्या काम है, न्यायाधीश है ना वो, उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि कोई गलत डिसीजन वो नहीं देंगे, तथ्यों के बयानों के आधार पर डिसीजन तय होते हैं, आप और मैं नहीं तय कर सकते कि शाहरुख बेगुनाह है कि शाहरुख गुनहगार है। नहीं वो सब जो हम लोग जहाँ बैठे हैं इसके बगल में पेट्रोल पंप है एकदम चिपक के, एक घंटा चौक से आप टावर क्लॉक से बाहर आएंगे यहाँ पे जो अपना है ये सीधा रोड है ना सर, यहाँ जो पेट्रोल पंप है यहाँ किसी को भी जाके देख लीजिए, इसके आगे 10 कदम 1 किलोमीटर आगे चले दुकानों पे पेट्रोल पंप बिका है सर, पेट्रोल बिक रहा है बोतलों में। जिस आदमी को अगर अंकिता को मारना होता तो सीसीटीवी में आके अपना चेहरा दिखाएगा, वो तो किसी भी किराना दुकान से जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है बोतल खरीद के 10-10 लीटर 5-5 लीटर की बोतलें बिक रही हैं दुमका में, जो दुमका में है यहाँ पर मेरे साथ में, वो पूछ रहा हूँ मैं उनसे, आपको नहीं पता ये, जिसको मारना होता शाहरुख को अगर सही में अंकिता को जला के मारना होता, हत्या करना होता, तो सीसीटीवी के अंदर आके पेट्रोल लेने जाएगा, आरोप करने से पहले अपना सबूत दे देगा, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है सर आज के टाइम में, सब क्राइम पेट्रोल देखते हैं। वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाता, एक सुनसान इलाके, आप ये जामताड़ा वाली रोड चले जाइए, रांची वाली रोड पर चले जाइए, जगह जगह जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ पर पेड़ों पर बोतल में पेट्रोल की बोतल बांध के रखी है कि यहाँ पेट्रोल बिकता है, जिसको लेना होगा वहाँ चुपचाप ला के बोतल ला के जला के काम बजा देगा कि आपका सीसीटीवी में दिखाएगा। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं शाहरुख के बेगुनाही की तरफ दिखाती है। असली कातिल आज भी घर में बैठा हुआ है सर, हमारी नज़र उस असली कातिल के ऊपर है कि उसको कब कैसे हमको लेके आना है। नहीं वो कातिल को आप ढूंढ रहे ठीक है, लेकिन पुरानी वीडियोस को निकाल लेना, उसको खंगालना और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे डालना, ये कैसे है? कौन सी पुरानी वीडियोस? बहुत सारी वीडियोस जो है आप निकाल के लिए आए, जो अभी आपने पहले बताया कि जिस जो नारे लगे थे देश के गद्दारों को, वो तो पुरानी बात हो गई ना। अरे तो क्राइम में अगर 30 साल पहले किसी की हत्या करा रहा हूँ तो उसका मतलब पुरानी बात हो गई, 30 साल बाद सजा नहीं होगी? आज बहुत सारे मामले जो 10-10 साल बाद खुलते हैं सर, क्राइम क्राइम होता है, उसका एक लीगल प्रोसीजर है, उसको करना पड़ेगा, और ये तो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ है इसको लेके, ये मेरे को लग रहा है 31 अगस्त की बात है ये, अभी तो 1 महीना पूरा हुआ है उसको। मतलब जो दुमका में पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके उनसे जुड़े हुए लोग हैं, आप उनकी राजनीति को ही खत्म कर देना चाह रहे हैं? नहीं नहीं मेरा मकसद वो नहीं है, वो तो खुद अपने जाल में फंस रहे हैं, उन्होंने अपने भाई से फ़ोन नहीं कराया था तो बवाल ही नहीं होता, वो इसके लिए कॉल कराई कि हम यहाँ के झारखंड की महिलाओं को मुंबई में एक लड़का परेशान कर रहा है, देखो झारखंड की औरतों जागो, मुंबई का लड़का एक आके विनय दुबे को रोकने का ये सब तरीका है सर, उनको पता है कि मैं असली कातिल तक बहुत नज़दीक, मेरी जो टीम है वो असली कातिल तक पहुंची है, पुलिस को मदद कर रहे हैं हम लोग इस केस में, इनको वही दिक्कत है कि अगर हम असली कातिल आ गया तो शाहरुख को फांसी नहीं होगी, शाहरुख को फांसी नहीं होगी तो लव जिहाद का मामला नहीं बनेगा, लव जिहाद का मामला नहीं बनेगा तो हिंदू मुसलमान नहीं होगा, और अगर हिंदू मुसलमान नहीं हो तो इसमें किसका नुकसान है? भारतीय जनता पार्टी, ये किसकी जिला अध्यक्ष हैं? भारतीय जनता पार्टी। संजीव सिंह के यहाँ पे कितनी भीड़ लगी थी हेलीकॉप्टर की? भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप पर भी तो आरोप लग रहे हैं कि आप जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के एजेंट हैं और आप आकर के उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों की जमीन। मुझे तो अंकिता सिंह हत्याकांड के मामले में मोदी जी ने 1 करोड़ रुपया दिया है। आप बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ, जब वो मुझे झारखंड कांग्रेस बोल सकते तो अरे मैं मोदी जी बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा बात कहा जा रहा है। मैं भी ऐसा बात कह रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया अंकिता केस में जाके शाहरुख को बचाने के लिए, मैं तो अपना फीस लेके काम कर रहा हूँ, मोदी जी से जाके पूछे उनको क्या पड़ी है शाहरुख को बचाने के लिए, अमित शाह जी का फोन आके गया है, मानोगे मेरी बात को? बस यही चीज हो रहा है झारखंड में। हमारा अगला सवाल ये है कि आपके ऊपर जो मानहानि का जो केस है, कहाँ है, कहाँ है मानहानि का केस? पूछिए ना, अरे नीतू जी दीजिए ना मानहानि का, बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे, पत्रकार सब पीछे पड़े हुए हैं। आपके पास जो मानहानि का केस की बात की जा रही थी, वो केस तो इन्होंने दर्ज किया नहीं, वो उन्होंने जो केस दर्ज करवाया है वो दूसरे यूट्यूबरों के ऊपर करवाया है, आपके ऊपर नहीं करवाया, फिर आप हाँ मैं आपको गारंटी के साथ मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक यूट्यूबर के ऊपर केस दिखा दे भागी अहमद बात से, वो पढ़ करके सुनाई है वो एक सिंह जी थी कोई लड़ी, भाई साहब बचपना मेरा बीत गया पुलिस कचहरी कोर्ट कचहरी करते करते, आज यहाँ पर ना पूरे देश में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रहते हुए उनकी धज्जियाँ उड़ाता हूँ, बेवकूफ़ बनाना बंद करिए, एक यूट्यूब चैनल का नाम ले लीजिए जिस पर आपने केस करवाया हो, मैं देख लूँगा इनकी औकात, भारतीय जनता पार्टी की दुमका जिला अध्यक्ष और पूरी पार्टी की औकात देख लूँगा, मैं दुमका में बैठा हूँ, धमकी देते थे दुमका में दिख गया तो चप्पल मारेंगे गोली मारेंगे, बगल में पेट्रोल पंप है ये होटल है आओ मार के दिखाओ गोली, ये सिर्फ भौकाल पेलने वाली बात है सर, होता कुछ नहीं है इनसे। इस मामले में अब जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी बातों को रखा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने लिखा है कि कुछ ब्लॉगर जो है वो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं और इस केस को दूसरी दिशा में जो है मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
उनको सजा होनी चाहिए, उन पर तुरंत जेल कराए बाबूलाल मरांडी जी। एक एक्स सी एम की इतनी हैसियत नहीं है कि एक एफ आई आर करवा ले। ब्लॉगर इतना खुलेआम गंदगी कर रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ बाबूलाल मरांडी जी का, कि उस ब्लॉगर को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।